नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर इस समय उपस्थित हूँ सुभाष चौराहे के बगल रेलवे कॉलोनी में। यहाँ पे जो है जितेंद्र धनराज नेता हैं, जो हमारे साथी हैं इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इनका आंदोलन चल रहा है ऑनलाइन क्लास को लेकर। आइए इनसे बात करते हैं। अभी अभी एक नोटिस आई है, क्या नोटिस है सर? देखिए, अभी जो नोटिस आया है, जो निष्कासन और निलंबन का, मतलब यह दर्शा रहा है, और प्रॉक्टर का कहना यह है कि विश्वविद्यालय में सच कहना गुनाह है, विश्वविद्यालय में अपना अधिकार मांगना गुनाह है। हम लोगों ने 3 दिन से लगातार ऑनलाइन की मांग कर रहे थे, इसलिए मांग कर रहे थे कि 6 महीना का सेमेस्टर का पेपर आप 1 माह में कैसे पढ़ा देंगे। फिर दूसरी बात, यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं विश्व के लड़के पढ़ते हैं, तमाम 90% किसी भी बच्चे का भी हॉस्टल अलाट नहीं हुआ है, विशेष रूप से बहन। हम लोग लड़के तो कहीं भी रह के पढ़ लेते हैं, जिससे कि 1 माह का जो क्लास चला है, जब हॉस्टल अलाट नहीं है तो वो लड़के हॉस्टल के अभाव में वो भी क्लास नहीं किए हैं, तो हम कैसे पेपर दे दें? क्योंकि पीजी करने के बाद PGT, JRF, तमाम जो बड़ी बड़ी नौकरियां होती हैं सिविल का, उसमें परसेंटेज मांगता है, और आप तुरंत हमसे ऑफलाइन मांग रहे हैं। कोई लड़का फेल हो सकता है, कोई 45% हो रहा है, तो यह तो लड़कों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसी की मांग को लेकर हम लोगों ने बैठे थे, तो कुलपति महोदय रुतबे में आए अपने गार्ड को लेके, पुलिस प्रशासन को लेके, और एक हमारे साथी थे उनके साथ हाथापाई किए, और हाथापाई पे सुनने में ये भी आया है कि गाली गलौज हुई है जाति सूचक सब। जी वही हाथापाई किए, तो हमने वही हटाने का काम किया कि क्यों आप ऐसा क्यों बदतमीजी कर रहे हैं। तो जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए कि चमार फांसी तुम लोग को पढ़ना चाहिए, तुम लोग यहाँ धरना देने की क्या ज़रूरत है, तुम लोग क्या उखाड़ लो, क्या कर लोगे, और उसी समय यदि है कि तुम्हारी कैरियर हम बर्बाद कर देंगे। और वही सेम टू सेम हुआ, हमने कहा गुरु है कुछ बोल सकते हैं, लेकिन 8 बजे 7 बजे नोटिस आता है जितेंद्र कुमार धनराज के नाम से कि आपको विश्वविद्यालय से निलंबन और निष्कासित किया जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जितेंद्र धनराज का इस विश्वविद्यालय में एक एक दीवारों में जो हमने फीस जमा किया है, हमारी मेहनत कश लोगों की कमाई है, जो आपको 1.5 लाख 2 लाख पैसा मिल रहा है, किसी घर से आपके नहीं आ रहा, हमारे टैक्स पेयर से आप को पैसा वेतन मिल रहा है, और हम अपना अधिकार जो हमारा पढ़ने का है हम लेके रहेंगे जब तक ये निष्कासन और निलंबन अपना वापस नहीं ले लेते हैं, और उन पे जब तक FIR भी नहीं हो जाता तब तक धनराज चुप होने वाला नहीं है, क्योंकि जाति सूचक शब्द हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि सिर्फ जितेंद्र धनराज पे यह नहीं बोला गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम अपने समाज के लोगों के ऊपर यह जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इनका एक तनासा रवैया हो गया कि जो आवाज़ इनके विरोध में उठाए उनका निष्कासन निलंबन कर दीजिए। कम से कम ऐसे 50 लोगों का निष्कासन निलंबन हो गया, लेकिन आज जितेंद्र धनराज का निष्कासन निलंबन, और अब बहुत गलत लोगों के पाले पड़ गए हैं, अब उनको हम सिखा देंगे कि आपको कैसे समझाया जाएगा। नोटिस को लेकर आगे की मुख्य रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी हमारे दोस्तों से बात हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और तमाम बड़े भाइयों से, हो सकता है कल 11 बजे कर्नलगंज थाने पे FIR दे, या गर्मी को देखते शाम 5 या 6 बजे रखा जाए, क्योंकि ऑनलाइन की अभी लड़ाई हम लोग को लड़ना है, क्योंकि जितना भी आप मुकदमा ला दीजिए कर दीजिए, लेकिन छात्र कोई हक की बात धनराज करता और हमेशा करता रहेगा। आपके निष्कासन निलंबन FIR से हम धनराज डरने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, आपको FIR के बल पे आपकी नौकरी हम छीनने का कार्य करेंगे, क्योंकि आप उस सुशोभित पदों पर रहने के लायक नहीं हैं। तो अभी इधर जो है जितेंद्र धनराज से बात हुई, वो कह रहे हैं कि नोटिस के बाद भी धरना लगातार जारी रहेगा, कल 11 बजे से फिर धरने पे बैठेंगे।